और भाई कैसा है? यार सच बताऊं तो ज्यादा अच्छा नहीं। क्यों, क्या हो गया? अब तो लगता है कि मुझे अपना छोटा सा घर बेचना पड़ेगा। हैं? क्यों? जब से लैपटॉप खराब हुआ है ना ही म्यूजिक बन पा रहा है ना ही पैसा आ रहा है। अबे तो फिर फोन पे म्यूजिक बना ले। लोग मजाक उड़ाते हैं फोन के सॉफ्टवेयर का भाई। तो फिर लगता है तूने इस चीज के बारे में नहीं सुना है। हैं? किस चीज के? मिलके बताता हूँ, वैसे भी अगले महीने तो मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन मेरा घर बचा लियो प्लीज। अरे क्या हाल है भाई? एकदम दुखी भाई। तो वासुदेव ने श्री मोंटी को बहुत ही लगन और निष्ठा के साथ उस ऐप से होने वाले लाभ और विशेषताएं बताई, जिसके बाद मोंटी की पेमेंट आना आरंभ हो गई और उन्होंने कुछ ही हफ्तों में युगांडा के राष्ट्रपति के घर के सामने एक आलीशान बंगला ले लिया और लास वेगास में दो कैसीनो खोल लिए। इतना ही नहीं, वासुदेव जिनके कारण उन्हें यह सब प्राप्त हुआ, उनको श्री मोंटी ने एक आईफोन का चार्जर उपहार में दिया, क्योंकि उसके केबल को मोंटी का कुत्ता खा गया था, और 1100 रुपए का शगुन भी दिया। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि कितने सुअर, माफी चाहूंगा, कितने महान व्यक्ति हैं श्री मोंटी। लेकिन एक छोटा सा नुकसान भी है इस ऐप का, और वो ये है कि आपके लिए म्यूजिक बनाना इतना आसान हो जाएगा कि जिधर भी आप जाएंगे वहाँ पे आप म्यूजिक बनाना शुरू कर देंगे और आपके अंदर का जो म्यूजिक का कीड़ा है वो अमर हो जाएगा। तो अगर आप ये रिस्क उठा सकते हैं तभी इस वीडियो को आगे देखिए। तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी उस राज को शेयर कर दूँ, क्योंकि YouTube से 1100 रुपए से तो ज्यादा ही मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग सच में प्रोफेशनल म्यूजिक बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले अभी बैंडलैब ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। चलो कम से कम उसको डाउनलोड पे ही लगा दो कि जब तक ये वीडियो खत्म हो तब तक आपकी ऐप डाउनलोड हो जाए। तो जैसे ही आप लोग साइन अप करेंगे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जिसके अंदर नीचे चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है फीड, जहाँ पे आपको वो लोग दिखेंगे जिनको आप फॉलो करते हैं। सेकंड कॉलम है एक्सप्लोर कॉलम, जहाँ पे आपको कुछ फीचर्ड आर्टिस्ट दिखेंगे एज वेल एज कुछ म्यूजिकल रिसोर्सेज दिखेंगे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है नोटिफिकेशंस का, जिसको आप लोग जानते ही हैं। और चौथा लाइब्रेरी का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एज वेल एज जो डिलीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाई देंगे। तो ये तो बड़े काम की चीज। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया का सबसे पहला क्रॉस प्लेटफॉर्म DAW है, जिसका सिंपली मतलब ये है कि आप इसको सिर्फ अपने फोन में या आईपैड में नहीं चला सकते बल्कि इवन वेब पे भी यूज कर सकते हो। तो चाहे आप अंदर हो बाहर हो, ज्यादा अंदर हो ज्यादा बाहर हो, आप कहीं भी बैंडलैब की मदद से म्यूजिक बना सकते हो। तो वैसे तो देखो बीट बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है, इसमें सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोग अपनी पसंद का एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल Alright, this sounds interesting. तो simply इस पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करोगे और कहीं ना कहीं ये जो पैच है ये लोड हो जाएगा और आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अब इसको आप लोग सिंपली प्रोग्राम कर सकते हैं पियानो रोल की मदद से, लेकिन इसकी जगह मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर दिखाने वाला हूँ इसका, जो की है सॉन्ग स्टार्टर। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास आइडिया नहीं है कि गाना कैसे स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं आप उसमें AI की मदद ले सकते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक ट्रैप बीट। तो जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे ये कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज को जनरेट करेगा, तो सुन के देखते हैं। सो रिलेटिवली फर्स्ट वन इज बेटर, बट थोड़े से और आइडियाज जनरेट करके देखते हैं, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं मुझे वो फील नहीं मिली जो मैं सीख कर रहा हूं। गेट न्यू आइडियाज। Sounds pretty good. अब जैसे हम ओपन इन स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर में उतार देगा सारी मिडी ट्रैक्स को, जहां पे आप एडिट भी कर सकते हैं इनको। सिंपली उसके लिए आपको डबल क्लिक करना है एंड कहीं ना कहीं आपका जो पियानो रोल है वो खुल जाएगा। तो चाय पीते पीते मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ इस ऐप के। तो सबसे पहले राइट एंड साइड बॉटम पे आपको एक मेट्रोनोम फीचर दिखेगा, बेसिकली योर क्लिक्स, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं।
और यहीं पे आपके पास प्ले पॉज बटन है एंड रिकॉर्ड बटन है, और उसी के साथ साथ इस बटन से आप लोग स्टार्टिंग में जा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के। साथ ही साथ यहाँ पे अंडो और रीडो बटन भी है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल सेंटर है जिससे आपको काफी काम के फीचर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ से आप अपनी लेवलिंग ट्विक कर सकते हो, म्यूट सोलो कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स को, और FX कस्टम पे क्लिक करके यू कैन एक्चुअली ट्विक द प्रोसेसिंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास एक गिटार एम्प है, एक मल्टी एम्प है, एक ग्राफिक EQ है, एक एको है, रिवर्ब है, तो इसकी तो मैं डिटेल में बात करूंगा आगे। और उसके बाद ये जो पैन फंक्शन है, इससे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस चीज को लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में रखना है, चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो आपके वोकल्स हो। और अगर आपने किक और बेस को पैन किया तो इनकेस अगर आप लोगों को मेलेडी पसंद नहीं आ रही तो सिंपली आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आपका पियानो रोल खुल जाएगा, एंड सिंपली आप लोग यहाँ से अपने नोट्स को मूव अराउंड कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो नोट्स हैं वो स्नैप ना करें ग्रिड से, तो सिंपली इस मैग्नेट को प्रेस कर देंगे, इससे आपके जो नोट्स हैं वो आप फ्रीली मूव करेंगे। इसके अलावा इनकेस अगर आप लोग अपनी खुद की मेलेडी बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की लीड डिजाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली मेलेडी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पास 2 ऑक्टेव्स आ गए पियानो में, जहाँ पे आप लोग आराम से प्ले कर सकते हैं अपने नोट्स को। लेकिन ये चीज सिर्फ उन लोगों के काम आएगी जिनको पता है कि इनमें से कौन से नोट्स आपके स्केल में है, ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन से नोट्स बजाएं। रादर जो दिमाग है वो थोड़ा सा क्रिएटिव साइड पे जाए, थोड़ा सा मेलोडिक साइड पे जाए। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे पियानो पे क्लिक कीजिए, स्मार्ट कीज पे जाइए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल में जो आपके स्केल के नोट्स हैं आपको सिर्फ वही दिखाई देंगे, और आप लोग अपनी मेलेडी डिजाइन कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेट्रोनोम ऑन कर देता हूँ और एक मेलेडी बनाते हैं। और इनकेस अगर आप लोग इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको रिकॉर्ड बटन पे प्रेस करना है, एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्लेइंग इट, और पीछे जो पियानो रोल है उसके अंदर आपके नोट्स रिकॉर्ड होने चालू हो जाएंगे। उसके बाद एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड है यहाँ पे, जो कि है स्मार्ट ग्रिड। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो ड्रम पैड वाली फील है, जो स्पेशली बीट मेकर्स हैं उनको ये वाली चीज बहुत पसंद आएगी, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में कॉर्ड्स प्ले करना काफी आसान है। से फॉर एग्जाम्पल और आपको अगर ऑक्टेव ऑल्टर करना है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली चेंज द ऑक्टेव कि आपको कौन से ऑक्टेव यहाँ पे रखने हैं, ऑक्टेव 3, 4, 2, जो भी आपको रखना है यहाँ पे बेसिकली। ऑलराइट, सो मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना याद आया है जिसकी कॉर्ड प्रोग्रेशन में यहाँ पे प्ले करूंगा, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, आप लोगों को नीचे कमेंट्स में गेस करना है कि ये कौन सा गाना है। लेट्स सी कितने लोग गेस कर पाते हैं। इसके बाद ये जो बतख वाला पंख आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका नोटपैड है जहाँ पे आप लोग अपने लिरिक्स लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको कोई बीट पसंद आती है और आपको ऑन द स्पॉट लिरिक्स लिखने हैं, तो आप लोग यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो सेटिंग्स टैब है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यू कैन एक्चुअली ऑल्टर द BPM, और सिर्फ BPM ही नहीं बल्कि अपने जो प्रोजेक्ट का की है, प्रोजेक्ट का स्केल है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, और जो आपकी बीट है वो भी ट्रांसपोज हो जाएगी। तो मैं बस फ्रेश होके आता हूँ, फिर मैं आके आप लोगों को बताऊंगा कि बैंड लैब में हम लोग कैसे वोकल्स रिकॉर्ड करेंगे। दरवाजा खोल भाई, पिछले 1 घंटे में 4 बार फ्लश कर चुका है, कर क्या रहा है? भाई बस 5 मिनट और। तो गाइस, इसका म्यूजिक का कीड़ा तो अमर हो चुका है, अगर आप भी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से बैंड लैब आपको डाउनलोड कर सकते हो।